हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। पहले आज हम पढ़वा रेडियो एक्टिविटी। ओके, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी से विषय में डिटेल्स आज जानवा जो रेडियो एक्टिविटी कौन। ओके, सो देखो रेडियो एक्टिविटी जी कह पे गोटे गोटे कौन हम ना हेवी न्यूक्लियस कौन हुए ना किसी पार्टिकल को स्पोन्टेनियसली रेडिएट करते अर्थात हेवी न्यूक्लियस कौन करते अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स गामा पार्टिकल्स टाइप रो रेडिएशन छाड़ते से रेडिएशन जो कौन हुए ना पहले बाहर सीटा ट्रांसफर हो जाए अर्थात ट्रांसफर्म होना आमर किसी अलग किसी न्यूक्लियस चेंजेस हो जाए जानप ये जो स्पोन्टेनियस डिसइंटेग्रेशन आसला ए न्यूक्लियस कौन कह रेडियो एक्टिविटी कह सो पहले रेडियो एक्टिविटी कौन रेडियो एक्टिविटी इज द फेनोमेना ऑफ स्पोन्टेनियस डिसइंटेग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विथ द एमिशन ऑफ वन आर मोर रेडियो एक्टिव पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस लाइक अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स। ओके, सो स्पोन्टेनियस डिसइंटेग्रेशन है स्पोन्टेनियस डिसइंटेग्रेशन हो डिसइंटेग्रेशन सो डिसइंटेग्रेशन कह कौन बुझा पे गोटे हेवियर न्यूक्लियर किसी पार्टिकल्स जगह सब वाले माइनस होना कौन हो सी गोटे लाइटर न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जो डिसइंटेग्रेशन पार्टिकल्स जगह रही से पार्टिकल्स जगह कौन हम है कौन रही पारे अल्फा पार्टिकल्स हो पारे कि बीटा पार्टिकल्स हो पारे और गामा पार्टिकल्स हो पारे यो आसला आम कौन अल्फा बीटा और गामा डिसइंटेग्रेशन होगा पे ये जगह कौटू हम पे ना नेचुरल एक्जिस्टिंग आमर हेवियर न्यूक्लियर से जगह बाहर ये जगह बाहर से जगह कौन हम ना पे गोटे लाइटर न्यूक्लियर चेंजेस होता कौन हम गोटे लाइटर न्यूक्लियर गोटे हालुका न्यूक्लियर चेंज हो। ओके, पे जो न्यूक्लियस जाक जो न्यूक्लियस आमर डिसइंटीग्रेट होने कौन कह रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। ओके, आ जोटा पे क्रिएट हम ताको आम कौन कह डॉटर न्यूक्लियस ताको कौन कह पे डॉटर न्यूक्लियस जानपर चाहे है ये जो प्रोसेस पे दिस प्रोसेस नाच कौन रेडियो एक्टिव डीके रेडियो एक्टिव डीके और सिंपली रेडियो एक्टिविटी कहवा जानपर चाहे जो सब्सटेंस जाक आम रेडियो एक्टिविटी शो कर रेडियो एक्टिव डीके प्रॉपर्टी जाक शो कर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ओके, सो किसी नेचुरली एक्जिस्टिंग आम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कौन आसो ना जमीक तुम यूरानियम ओके पोलोनियम थोरियम ओके दिज आर द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। ओके स्टूडेंट्स, सो रेडियो एक्टिव कौन गोटे कम्प्लेक्स प्रोसेस थे कौन होगा आउ थे बुझाऊँ गोटे हेवियर न्यूक्लियर कौन हम ना तुम डिसइंटीग्रेट होना लाइटर न्यूक्लियर चेंजेस डिसइंटीग्रेशन टाइम कौन हम ना किसी पार्टिकल्स जगह से छाड़े दैट पार्टिकल्स आर अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स और सिंपली गामा पार्टिकल्स। ओके, जो सिस्टम्स जगह आम कौन आस जो न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी शो करें आम कौन कह रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो सब्सटेंस शो कर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहवा and the process by which the radioactive disintegration takes place is known as radioactive decay and jo nucleus to create a new nucleus ta kaam karega daughter nucleus bolna hai koi baat। Okay, next time padha pele radioactive decay law। Okay, radioactive decay law। Okay, so gote law dara ami kon kariba na radioactive decay achi ta kaam properly study kar pariba हेला ताको आम कौन कहा ना रेडियो एक्टिव डीके लॉ। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हेला द रेडियो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड अर्थात रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आर डीएन बाय डीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सैंपल जानपर चाहे जो सैंपल रहा कौन कर रेडियो एक्टिविटी होते रेट्रे आम डिसइंटीग्रेशन हम सेटा क्या डिपेंड कर सही मोमेंट रे केतरा न्यूक्लियस प्रेजेंट अच्छे अर्थात सही इंस्टेंट रे केतरा न्यूक्लियस आमर अच्छी सैंपल केतरा न्यूक्लियस अच्छे ताऊपर से निर्भर करेला अर्थात द नंबर ऑफ रेडियो न्यूक्लियाई
disintegrated per second of a radioactive substance by the radioactive substance by sample at any instance is directly proportional to the number of undecayed nuclei or the number of nuclei present in the sample at that instant. So instant re ketra amaro hala nuclei present achi. This is the dn by dt is proportional minus n. Negative sign time kind of negative sign indicates that the number of nuclei actually decreases with time. Okay, time se to number of nuclei ba undecayed nuclei kon hobo change hobo arthat agar am simply jodi likhiba word re jodi the rate of decay, the rate of decay is proportional to the negative of number of undecayed nuclei unte man rakhe bole mantha to man ra easy hobo. Okay play, so rate of decay is proportional to number of undecayed nuclei arthat kete rate se decay hochi is proportional to the number of undecayed nuclei. So aku jodi ame proper likhiba so kon hobo dn by dt is equal to equal कर देले गोटे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलेस वे लैम्डा इनटू एन आको हम कोन कहबा ना रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट और सिंपली डीके कांस्टेंट मदे कहि परबा डीके कांस्टेंट और सिंपली डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट मदे कह जाय दिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आको हम कोन कहले डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. ओके प्ले बुझेला. सो ए जो अछि प्ले इक्वेशन आको दाम को करना इंटीग्रेट कर आपको इंटीग्रेट कर कौन आसे अपने दिस इंप्लाइज द इंटीग्रेशन ऑफ dn बाय dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस लैम्डा इनटू n. दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ dn इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ इनटू n इनटू dt. सो दिस इंप्लाइज n इज वेरिएबल हियर सो इंटीग्रेशन ऑफ dn बाय dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ n इनटू dt. सो दिस सॉरी प्ले एटा एन टाइप पड़े आसो एटा इंटीग्रेशन ऑफ डीटी. सो लॉग ऑफ एन ओके लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू 1 बाय एन रो इंटीग्रेशन कोन आसो लॉग एन आसो लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इनटू टी प्लस सी हला दिस हमरो सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट. इंटीग्रेशन कांस्टेंट द लॉग एन आसला एटा इन जनरल हमरो कोन होची इंटीग्रेशन बेस ई हिसाब रे आसी कोन आसी प्ले बेस ई हिसाब रेसियो. सो ए जो सी अछि द वैल्यू ऑफ सी कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग इनिशियल कंडीशंस त माने सेकंड ईयर रे जतले इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन पढिबो सेतले ए टेक्निकटा त माने सिखिबो तो सी रो वैल्यू टा हम किमिति काढिबा यूजिंग कोन इनिशियल कंडीशंस. इनिशियल कंडीशंस कोन लेट इनिशियली अर्थात आरंभ रे हला दैट इज एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 एन इज इक्वल टू एन 0 अर्थात number of undecayed nuclei is n0. So this implies log of n0 base e is equal to that equal to 0 is equal to c is equal to kon jo play c hai 0. So c equal to this log of n0 log of kon asla n0 base e equal to c jodi eta ethi kasla pre. So this implies am kon likhi pariba na dekho mithe am c jagah re log n0 base e हमें पके परिवा. So this implies log of n base e is equal to minus lambda t plus log of n0 base e. log of n0 कौन है सिला base e. This implies log of n base e minus log of n0 base e is equal to minus lambda t. This implies आपको जब हम और रिवर्स कर देते हैं तो जो plus है जो हम यहाँ किंतु रिवर्स करी भी नहीं. सो लॉग ऑफ एन बाय एन जीरो इज इक्वल टू डी बेस ये होची माइनस लैम्डा टी. दिस इंप्लाइज आपको जब हमें लॉग टा उठाए दबा एन बाय एन जीरो इज इक्वल टू इट द माइनस लैम्डा टी. दिस इंप्लाइज एन इज इक्वल टू इट द हला एन जीरो इट द बार माइनस लैम्डा टी. दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर रेडिएटिव डीके लॉग. एटा कोन बोले तमरो रेडिएटिव डीके लॉ रो प्ले हमरो रिक्वायर्ड रिलेशन. ए रिलेशन अनुसार हम कोन करियो ना डीके केमिति होछ से हम जान पइबा. ए रिलेशन रो आउ कोन एडिट करछ जे ए टू द पावर अछि प्ले माइनस लैम्डा टी आर अर्थ कोन माइनस लैम्डा टी मींस कोन बुझो छ प्ले द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एक्चुअली डिक्रीजेस फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू एक्सपोनेंशियली.
ओके प्ले आपको आम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहचे ये तुम्हारे माइनस लाम्बडाटी आम जेहतु माइनस अच्छे आम कौन कह डिक्रीज हो टाइम एक्सपोनेंशियली अर्थात एक्सपोनेंट हिसाब से डिक्रीज हो अर्थात आम जब ग्राफ टाणी पे कौन हम ना एमती जी ओके आम कौन एडिट करे है हायर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है रेट ऑफ डी इंटीग्रेशन इज ऑल्सो हायर बुझे बहुत स्पीड कौन एंड कौन हम इट है गोज अप टू इनफाइनाइट टाइम पर्यटन ये बेस इंटीग्रेशन हो जापच ओके अर्थात टाइम सहित ये कौन ना पहले स्लो होना जीव एम एत टाइम हम जे आम से इनफिनिट हिसाब से कनसीडर करके बोले बुझीगला है ये आउ सब बड़ कथा कौन जिते अधिक आम एन रमर कौन आस एन जीरो भैल्यू जिते अधिक आसे रैपिडली आम कौन आसना बेसिक इंटीग्रेशन हम अर्थात से अधिक स्पीड में बेसिक इंटीग्रेशन हम ओके बुझेगा सो दिज आर दि रेडियोएक्टिव डिके लॉ नेक्स्ट टाइम पढ़ा पड़े आप लाइफ सो हाफ लाइफ हमें क्या कह हाफ लाइफ आम जब डिसइंटीग्रेशन पढ़ा पड़े हाफ लाइफ आम कौन टी हाफ आम अच्छे तरह सिंबल ओके हाफ लाइफ कौन मनकर गोटे सब्सटेंस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कौन अच्छी एन जीरो अमाउंट रो कौन अच्छी एन जीरो नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई एक्जिस्ट करुचे एडा पिले आमर एन जीरो रु एन जीरो बाय टू हेबापाई जेतिकी टाइम दरकार ताको आम कौन कहवा हाफ लाइफ ऑफ ए सैंपल रेडियोएक्टिव सैंपल जानपचना सो इट इज द टाइम इंटरवल इन व्हिच वन ऑफ द वन हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ओके ओरिजिनली प्रेजेंट इन ए सैंपल डिसइंटीग्रेटेड जानपचना गोटे रेडियोएक्टिव सैंपल जी तार वन हाफ हाँ जी टाइम दरकार कौन कह रेडियोएक्टिव कौन ना हाफ लाइफ दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज नोन एज कौन हाफ लाइफ ऑफ दैट सैंपल आम सैंपल कहीं कौन पे रेडियोएक्टिव सैंपल पे तुम डिफरेंट रही पारे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस गोटे जगह पे गोटे टाइप मन कर यूरेनियम नेबा यूरेनियम रेतिकी परिमाण थी बोले से दैट इज द सैंपल ऑफ दैट यूरेनियम एट दैट इंस्टेंट ओके मनकर पचास के जी यूरेनियम अच्छी से पचीस के जी हाँपाई है पचीस के जी यूरेनियम चेंजेस हेपाई जी आमको टाइम ड्यूरेसन दरकार जी समय से नेब ताको आम से सैंपल पचास के जी सैंपल ऑफ यूरेनियम कौन हाफ लाइफ पीरियड बोले कहान तार हाफ लाइफ पीरियड बोले आम कह ओके बोले तो से हिसाब से मनकर गोटे सैंपल आम कौन अच्छे ना पे एन जीरो इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इनिशियली ओके आरंभ अच्छी आफ्टर टाइम टी सेकेंड टी इज इक्वाल टू टी हाफ अर्थात हाफ लाइफ पीरियड पर सैंपल के चेंज होना एन जीरो बै टू होके एन जीरो बै टू होता सो आम रेडियोएक्टिव डिके अनुसार एन इज इक्वाल टू के ना एन जीरो माइनस लाम्डा टी अर्थात दिस इम्प्लाइज एन जीरो बै टू इज इक्वाल टू एन जीरो इंटू इट द पार माइनस लाम्डा इंटू टी हाफ बुझीगला अर्थात एन जी अच्छी से इनस्टांट रे टी हाफ टाइम रे एन जीरो बै टू हो गल टी हाफ टाइम कौन हो तुम एन जीरो बै टू होगा ओके सो यही हिसाब से आम जब देखा एन जीरो कौन है कैनसल हो गला सो दिस इम्प्लाइज एन जीरो जेन जीरो जो कैनसल हो गला आम कौन हो देख एटा वन बै टू इज इक्वाल टू एट द पार माइनस लाम्डा इंटु टी हाफ एट माइनस लाम्डा इंटु टी कौन आसला हाफ आसला ओके सो दिस इम्प्लाइज है आमर एटा वन बै टू अच्छी मुझे एपट थरी आसबी एटा एपट नहीं जी अर्थात एट द पार वन बै एट द पार है माइनस लाम्डा इंटु टी हाफ इज इक्वाल टू के टू दिस इम्प्लाइज इट द पार लाम्बड़ा इंटू टी हाफ इज इक्वाल टू कौन जी टू ओके टेकिंग लगरिदम लगरिदम जो नहीं चाहिए दिस इम्प्लाइज लग अफ इ लाम्बड़ा टी हाफ इज इक्वाल टू के लग टू बेस इ हिसाब से नहीं चाहिए सो दिस इम्प्लाइज लाम्बड़ा इंटू टी हाफ ओके इज इक्वाल टू के इंटू लग इ बेस इज इक्वाल टू लग टू बेस इज इक्वाल टू कौन हो लग टू बेस इ
सो दिस इम्प्लाइज आमर के लॉग ऑफ ई बेस इज वन सो लैम्डा ई इनटू टी हाफ इज इक्वल टू के लॉग टू अच्छी बेस ई अच्छी जो बेस टेन रे चेंज करवा 2.303 लॉग टू बेस टेन हो ओके सो दिस इम्प्लाइज लॉग टू बेस टेन वैल्यू के लैम्डा इनटू टी हाफ इज इक्वल टू के 2.303 इंटू 0.3010 दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग टू बेस टेन है सो आपको जब मल्टीप्लाई करवा दिस इज इक्वल टू 0.693 है सो दिस इम्प्लाइज आवर टी हाफ बा हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इक्वेशन मीन्स टी हाफ एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा and the value of the half life period does not depend upon any other parameters rather than the lambda lambda means the disintegration constant lambda ta kon pile tumro disintegration constant kebalo disintegration constant lambda upare hi amra half life ta depend korche arthat hela gote sample re ketiki amra kon hobo na pile tar half life hobo hela सेटा केवल तार डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट पर निर्भर करुच्चे आउ कौनसी जिनस पर से निर्भर करू ना अर्थात तार कौनसी एक्सटर्नल फैक्टर्स पर निर्भर करू ना सो फॉर व्हिच टी हाफ इज वेरी इंपोर्टेंट अर्थात गोटे रेडियोएक्टिव सैंपल टा हाफ के समय हम सीटा आम ऑटोमेटिकली जापर ओके पे नेक्स्ट आम डिस्कस करवा पे है आमर ए जो रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो ब्रीफली मु शॉर्टकट रे तुम मानक कहि ସେଥିରେ ଆଲଫା ଡିକେ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ବିଟା ଡିକେ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଣ୍ଡ ଗାମା ଡିକେ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଓକେ ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଲଫା ଡିକେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ହେଭିଅର୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଗୋଟେ ହେଭିଅର୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରୁ ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ୍ଟା ଡିସ୍ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସୋ ଦେଖ ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ସିମିଲାର୍ ଟୁ ଦି ହିଲିୟମ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ହେଲା ଅର୍ ସିମ୍ପଲି ୱି କ୍ୟାନ୍ ସେ ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ୍ ଇଜ୍ ଏ ହିଲିୟମ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଫର୍ ହ୍ୱିଚ୍ अल्फा पार्टिकल इज कंसिस्टिंग ऑफ है और अल्फा पार्टिकल इज ए न्यूक्लियस व्हिच इज हैविंग टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स जानपुर कौन अच्छे दुटा प्रोटोन अच्छे दुटा न्यूट्रॉन अच्छे सो एटा आम अल्फा पार्टिकल को है एच टू फोर लिखिपर जानपर चाहिए सो अल्फा पार्टिकल कौन अच्छे ना पे जेहेतु दुटा सॉरी दुटा प्रोटॉन्स अच्छे एंड दुटा न्यूट्रॉन्स अच्छे जानपर छो सो आर मास नंबर पे चार एंड आर कौन एटॉमिक नंबर कौन हो दुई जानपर छो सो एटॉमिक नंबर दुई एंड मास नंबर चार हेलू आम कौन कर गोटे न्यूक्लियस जेकोसी गोटे न्यूक्लियस मन कर ए अच्छी हूज एटॉमिक नंबर इज जेड एंड मास नंबर इज ए व्हेन ए अल्फा पार्टिकल इज डिसइंटीग्रेटेड इट इज ए न्यू न्यूक्लियस ओके न्यू न्यूक्लियस बी whose atomic number is less by 2 and mass number is less by 4 plus okay alpha particle 2H4 this is the alpha decay tomar notes re tomar kon rahi chi mu kor kon kor chi ple hala alpha decay re tom manku examples dei chi fourth ro na uranium and polonium ro seta dekhibo ओके से कौन हो डेफिनेटली गोटे अल्फा पार्टिकल जो आम कौन हम रिलीज हम से कौन हम ना है तार एटॉमिक नंबर टा कौन हम दुई कमिजी एंड मास नंबर चार कम ओके एंड किसी एनर्जी रिलीज हे आ कौन हम कहे किसी परिमाण में एनर्जी रिलीज हम नेक्स्ट रहा पे तुम कौन ना बीटा डीके ओके बीटा डीके रे कौन हम ना बीटा डीके दुई प्रकार हो पार गोटे बीटा प्लस डीके कहते आ गए कौन पे बीटा माइनस टीके ओके सो बीटा प्लस टीके कौन हम ना पे गोटे इलेक्ट्रोन है आमको एड अफ है भाया लगे जानपर चाहे अर्थात जो न्यूक्लियस आसो पे मन करो एक्स इज ए न्यूक्लियस हूज एटॉमिक नंबर इज जेड एंड मास नंबर इज ए देन व्हेन बीटा डीके टेक प्लेस द न्यू न्यूक्लियस ए है कौन हम ना न्यू न्यूक्लियस हैविंग द एटॉमिक नंबर लेस बाय वन बट कांस्टेंट आमर कौन रो मास नंबर ओके जो आसो है प्लस वन है गोटे इलेक्ट्रोन आम इजेक्ट है भाया लगे है दैट इज द
आमर कौन आसब आमर बीटा प्लस टी प्लस गोटे न्यू पार्टिकल बाहर बोले आम कौन कहे न्यूट्रिनो बोली कह जानपर गोटे कौन नुआ पार्टिकल बाहर आम कौन कहे न्यूट्रिनो बोलिक कह ओके पे आ गए रहा पे कौन ना बीटा माइनस टी है यहाँ हूँ कौन तुम बीटा प्लस टी एंड आउ गए कौन आसे तुम बीटा माइनस टी बीटा माइनस टी कौन हम सुना पे एक्स जेड ए अर्थात एक्स इज ए न्यूक्लियस हैविंग जेड इज द एटॉमिक नंबर ए इज द मास नंबर एथरो जते हम कोन हबना पले बीटा माइनस डीके हबो ताले कोन हबना गोडे इलेक्ट्रॉन होला ना गोडे कोन हबो तमरो गोडे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हेगना पळेला होले हमको लागियो सेति पै कोन हबना पले जो मास नंबर आसो मास नंबर गोडे बढी जीवो सॉरी पले जो हमरो कोन छि हमरो एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस रे कोन गोडे बढी जीवो एंड मास नंबर टा से सेम ही रहिबो एडा हम केते रिप्रेजेंट करे ई माइनस 0 एंड पर्सन में प्लस न्यूट्रिनो एंड पर्सन में बडे न्यूट्रिनो मध्ये आथे बाहरबो एंड पर्सन में ओके प्ले सो देखो एडा होची कोन न्यूट्रिनो एटी कोन आसीबो एंटी न्यूट्रिनो बडे आसी ओके प्ले गोटे न्यूट्रिनो आसी गोटे एंटी न्यूट्रिनो बाहर अर्थात से एक्चुअली आमर न्यूक्लियस भी आम कौन कहते इलेक्ट्रॉन ना कि गोटे न्यूट्रिनो सहित कंबाइन कि रहा बेले गोटे नुआ पार्टिकल सब रहा बेले रहा आसो कौन तुम न्यूट्रिनो हिसाब से बाहर ओके सो नेक्स्ट रहा पे गामा डीके पे के हम जो आम गोटे न्यूक्लियसटा एक्साइटेड स्टेट्रे अच्छे है एक्साइटेड स्टेट्रे अच्छे से एक्साइटेड स्टेट्रे कौन हम ना जो न्यूक्लियसटा अच्छे अर्थात एक्साइटेड स्टेट मीनस इट इज हैविंग मोर एनर्जी ओके जो एनर्जी अधिक हो गला पे से एक्साइटेड स्टेट्रे अच्छे से एनर्जी रिलीज करना से कौन आस नॉर्मल स्टेट्रे आसो नॉर्मल और ग्राउंड स्टेट को फेर है ग्राउंड स्टेट्रे फेर बेलू है ग्राउंड स्टेट बा नॉर्मल न्यूक्लियस होगा बेलू से जो बड़का एनर्जी थी से कौन जो ना पे गामार हिसाब से रिलीज होता कौन जो पे गामार हिसाब से रिलीज हो दिस इज द कौन गामा डीके सो अल्फा डीके रे कौन हम अल्फा पार्टिकल रिलीज हे ओके बीटा डीके रे कौन हम ना दुई प्रकार बीटा डीके हम गोटा हूँ कौन आमर इन जनरल आम कौन हो पे बीटा माइनस डीके ही हो बट आमर बीटा प्लस डीके हे बीटा माइनस डीके प्लस डीके कौन हम ना गोटे है गोटे इलेक्ट्रॉन प्लस गोटे न्यूट्रिनो रिलीज हे एंड माइनस डीके गोटे इलेक्ट्रॉन गोटे कौन आसो एंड गोटे है एंटी न्यूट्रिनो रिलीज हम एंड गामा डीके कौन हम ना पे न्यूक्लियसटा एक्साइटेड स्टेट्रे थे नॉर्मल स्टेट्रे आसपा से जो एनर्जी रिलीज कर से एनर्जीटा कौन आस ना पे गामा पार्टिकल हिसाब से बाहर ओके प्ले दिज आर दि कौन ऑल अबाउट रेडियो एक्टिविटी ओके प्ले थैंक यू फॉर वाचिंग।